लाहौर में रात इस वक्त भीग चली है और ये पंजाब हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा मैच आज की शब का शुरू होने को है। फैसलाबाद डिवीजन और सरगोधा डिवीजन की टीमें आमने सामने होंगी, जिससे आप मिनी हॉकी स्टेडियम जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से मुत्तसिल है बराह रास्त देख सकेंगे। और उसकी मकबूलियत की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा चैंपियंस रहे। यहाँ पे आगाज़ हो गया मैच का, फैसलाबाद ने आगाज़ किया है। पहला मिनट एक आधा आप देखते हैं स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कहाँ से किस तरीके से अटैक करना है और फिर ये गेम जो है वो अपने पेस पकड़ती है। आगे बढ़ रहे हैं सरगोधा की जानिब से राणा वहीद, वो दाखिल हुए डी में और बाल बाल ये गोल बचा। बड़ी शानदार कोशिश वलीद ने की। यहाँ फैसलाबाद की बारी है और ये गेंद पहुंची डी के अंदर। गेंद बहुत तेजी से जा रही है, बहुत ही इंटेंस गेम है क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं। जी हाँ, और दोनों ही अटैक पर यकीन रखते हैं। ये दूसरा मुसलसल हमला था फैसलाबाद की जानिब से। एक बार फिर फैसलाबाद ने दाएं जानिब से मूव बनाने की कोशिश की। गेंद इस मरहले पर, जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हम छठे ओवर में दाखिल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई गोल नहीं। और ये अच्छी कोशिश थी सरगोधा को बढ़तरी हासिल करने की। अभी भी गेंद डी के अंदर है, पेनल्टी कॉर्नर की कोशिश की थी और ये मिल गया पेनल्टी कॉर्नर। आ गए हैं पाकिस्तान के साबिक हॉकी खिलाड़ी हैं, विहाड़ी से इनका ताल्लुक है और इसी दौरान ये गोल हो गया। नहायत ही शानदार ड्रिबलिंग और तीन खिलाड़ियों को बीट करने के बाद उनने गेंद को गोल के तख्ते में पहुँचा दिया और इस तरह सरगोधा की टीम ने ये बढ़तरी हासिल की। जी हाँ, ये बराबरी का मुकाबला लगा है। जो पहला मैच था बिल्कुल यकतरफा था जिसमें लाहौर ने बहावलपुर को हराया और यहाँ बाल बाल हमले हो रहे हैं और ये एक बार फिर अच्छा दिफा यहाँ पर सरगोधा की टीम। सरगोधा के जो दिफाई खिलाड़ी हैं वो ज़माना गया जब एक गोल आप करते थे और उसके बाद जो है वो फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने किए हैं। और एक और हमला और इस बार गेंद को अपने कंधे के ऊपर से मारना चाहते थे इसलिए ये फाउल। फैसलाबाद की टीम गोल करने का मौका मिला था लेकिन गेंद को बहुत बाहर उनने गोलकीपर, ये राणा वहीद हैं, बहुत अच्छी बहुत स्किलफुल प्लेयर हैं और इसी दौरान उन्होंने शॉट कॉर्नर हासिल किया है अपनी टीम के लिए। के इस वक्त तीन डिफेंडर और एक गोलकीपर गोल लाइन पर है। इनडायरेक्ट कोशिश होगी और दोबारा अटेम्प्ट लेकिन अच्छे क्लियरेंस, कहना होगा कि सुहेल के पास अच्छी जोरदार पुश थी लेकिन बेफायदा। ये राइट फ्लैंक से हमलावर हो रहे हैं और रिवर्स एक अटेम्प्ट थी लेकिन अच्छी गोलकीपिंग, एंगल भी काफ़ी मुश्किल था लेकिन अच्छी कोशिश। इस दौरान अटैक करते हुए अब फैसलाबाद के फॉरवर्ड गेंद इस वक्त ब्रार्क से आगे जाती हुई और ये अटेम्प्ट लेकिन बेफायदा, अंपायर ने फाउल करा दिया। आर्गू कर रहे हैं फैसलाबाद के जो फॉरवर्ड हैं अंपायर से। वसीम जूनियर बॉल फेंकेंगे, ओलंपियन तसीक रोकेंगे और ओलंपियन तसीक की बहुत ज़बरदस्त पुश और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गोल किया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ओलंपियन हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान वापडा की टीम से खेलते हैं और पाकिस्तान वापडा के ये कप्तान भी हैं। अच्छी इंटरसेप्शन रही लेकिन इस दौरान आगे बढ़ते हुए एक रिवर्स पास देंगे लेकिन ये ग्रेट मिसिंग थी, मैं कहूंगा हल्का सा डिफ्लेक्ट करना था। जी डिफ्लेक्ट करना था। अगर राइट फ्लैंक से तौसीक का इस दौरान एक अटेम्प्ट है और अब यहाँ पे जाहिर है कि वीडियो रिप्ले या वीडियो अंपायर तो है नहीं, तो जो कुछ करना है वो ऑन फील्ड अंपायर ही को करना है। राइट साइड से अटैक भी करते हैं और ड्रिबल भी अच्छे करते हैं लेकिन गेंद को हासिल कर लिया है एक बार तो फिर फैसलाबाद के फॉरवर्ड ने और आगे बढ़ते हुए बाबर ने इंटरसेप्ट किया। अच्छी अटेम्प्ट थी लेकिन अंपायर की विसल, पुश करेंगे। ये अच्छा मौका है, बड़ा जानदार ये पुशअप था, जबरदस्त तौसीक का दूसरा गोल फैसलाबाद के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने वो साबित किया कि वो ओलंपियन हैं और इसी दौरान पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ है
तो इसमें अभी फैसलाबाद डिवीजन को 2-1 से बढ़तरी हासिल है। ये देखकर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे नौजवान स्टार्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो खेल अब दूसरे हाफ का दोबारा शुरू हुआ है और देखना होगा कि किस तरीके से अब सबका जो है बरकरार कर रखी है इस वक्त सरगोधा वर्सेस फैसलाबाद, वो किस तरीके से कायम रहेगी। तो इस दौरान लेफ्ट फ्लैंक से हमला करते हुए ये वो जगह है जहाँ से हमला होगा। इस दौरान एक मौका था, ये ट्राई है लेकिन चूक गए। अच्छा मैच देखने को मिला। अब अटैक पर है फैसलाबाद के फॉरवर्ड, अच्छा पास है, छोटा पास है लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन कहना होगा इस दौरान सरगोधा की, लेकिन अंपायर ने एक इंफ्रिंजमेंट करा दिया इसको। अभी शॉर्ट कॉर्नर मिला है फैसलाबाद को, ये अब इनडायरेक्ट अटेम्प्ट होगी, अच्छी सोच है लेकिन मुश्किल एंगल पे चले गए हैं। अब दोबारा रिवर्स ट्राई करेंगे, अच्छी ट्राई थी लेकिन गोलकीपर आड़े आ गए, बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। एक और अटेम्प्ट होगी, जहां तक फैसलाबाद का ताल्लुक है, इनका डिफेंस भी अच्छा है, इनका अटैक भी अच्छा है। अब अटैक पर है, अच्छा अटैक है लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन दूसरी तरफ फैसलाबाद की, आगे बढ़ते हुए इंटरसेप्शन अच्छी हुई है, अंपायर ने फाउल करार दिया। ये फयाज साहब इंस्पेक्टर हैं, हॉकी के लिए बड़ा काम करते हैं, उनके बेटे हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं अपकमिंग सरगोधा के लिए। छोटे छोटे पासिस जो हैं वो खेल में बड़ी खूबसूरती, और आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद के फॉरवर्ड, अच्छा थ्रू पास लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। अभी राणा वहीद कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टिक वर्क है इनके पास, लेफ्ट फ्लैंक से अच्छी अटेम्प्ट है लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन कहना होगा फैसलाबाद की जानिब से, उनके डिफेंडर की जानिब से। अच्छा गेंद छीना है फैसलाबाद के फॉरवर्ड ने, आगे बढ़ते हुए टॉप ऑफ दी यहां से कोशिश करेंगे, रिवर्स हिट करने की कोशिश की लेकिन इसमें नाकाम, ये करना पड़ता है आपको रिवर्स स्टिक से हिट करना पड़ता है लेकिन ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। ये मिस कर गए, ये हमजा के पास है, अगर बहुत अच्छी मूव है, बड़ा अच्छा पास दिया उन्होंने, खतरनाक हो सकता है जैसे मैं आपको कह रहा था। और ये गोल कर दिया सरगोधा ने, बहुत जबरदस्त मूव, बहुत अच्छा गोल, और इसी तरह ये मैच 2-2 से अब बराबर हो गया है और अभी ये दिलचस्प मैच हो जाएगा जो हमें आगे अभी 10 मिनट मिलेंगे। एक अटैक होगा फ्रॉम सरगोधा, टॉप ऑफ दी लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन और एक थ्रू पास दे दिया है अपने फॉरवर्ड को, एक बार फिर फैसलाबाद के डिफेंडर्स ने। खेल में काफी तेजी है, लीजिए एक और अच्छी मूव है आगे बढ़ते हुए सरगोधा के फॉरवर्ड, एक थ्रू पास लेकिन इससे फायदा नहीं उठाया जा सका, वो कंट्रोल नहीं कर सके, शायद गेंद ज्यादा उछल गई थी। सरगोधा के राइट आउट कोशिश कर रहे थे, अब गेंद आ चुकी है दोबारा फिर फैसलाबाद के राइट आउट की जानिब, इस दौरान फिर गेंद अब चली गई है सरगोधा के राइट आउट की जानिब से, उनकी अटेम्प्ट लेकिन गेंद गोल के ऊपर से हुई होती हुई बाहर चली गई। अब इसमें अब राइट साइड से अच्छी पुश, जोरदार पुश थी लेकिन इसमें इसको कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे, और जो एक अच्छी मूव बनती थी फैसलाबाद की जानिब से उसे मिनिमाइज किया है। ये एक अच्छा हमला हो सकता है, सेंसिबल थिंकिंग, लेकिन थोड़ा डिले किया, लेकिन लगता है ज़्यादा डिले कर दिया राइट विंग से फॉरवर्ड ने। लम्हा हो सकता है या ट्राई हो सकती है, अभी अंपायर ने फसल नहीं की, खेल के खात्मे की जबरदस्त नहीं है, बड़ा मौका था मेरे ख्याल में, अगर ये रुक जाता तो एक लास्ट ट्राई हो सकती थी गोल के लिए। ऐसे ही आमिर शहजाद का बहुत अच्छा पास था जो वो फॉरवर्ड रोकने में नाकाम रहे, अगर ये रोक लेते तो मुझे लगता है कुछ ही सेकंड थे तो ये सरगोधा की यकीनी जीत हो सकती। तो इसी के साथ मैच ड्रॉ, तो इस तरह अब ये मैच बराबरी में खत्म हुआ है। यहाँ गोलकीपर इस वक्त फैसलाबाद के जो मुंतजिर हैं अंपायर्स के इशारे के, दोनों अंपायर्स भी चले गए हैं सामने फार एंड पर, और ये फयाज जो हैं ये बहुत करीब आ चले और उन्हें ब्लॉक कर दिया गोलकीपर ने नहायत शानदार तरीके से, और इस तरह ये मौका ज़ाया कर दिया, पहला शूट आउट ज़ाया हुआ। ओलंपियन तसीक आए हैं अभी फैसलाबाद से शूट आउट लगाने के लिए, जो टीम के कप्तान भी हैं और फॉर्मर ओलंपियन भी हैं। यहाँ ये वैस हैं उनके सामने सरगोधा गोल कीपर, और तसीक जो हैं खासा वक्त ले रहे हैं और उनने गोल स्कोर कर दिया 8 सेकंड्स के अंदर ही, ये आज के दिन का इनका तीसरा, इन्होंने दो फील्ड गोल भी किए थे कि खेली है पाकिस्तान के लिए भी। जहाँ और अब ये सरगोधा की बारी है और ये गोल कर दिया सरगोधा की जानिब से बड़े शानदार तरीके से, ये एम शजी हैं
ये भी पाकिस्तान जूनियर से खेल चुके हैं, बहुत अच्छे फॉरवर्ड हैं। और उनका खूबसूरत गोल, बहुत खूबसूरत ड्रिबल के साथ उन्होंने गोलकीपर को बीट किया और एक खूबसूरत गोल किया और अपनी टीम को एक गोल की लीड दिलाई। फैसलाबाद में ने दो में से दो गोल किए हैं, ये सरगोधा की तरफ से तीसरा शूट आउट राणा वहीद, और बहुत ही खूबसूरत गोल किया राणा वहीद ने। और ये मौका जो है ये ज़ाया हो जाएगा क्योंकि गेंद ज़्यादा दूर चली गई थी गोलकीपर से डिफ्लेक्ट होकर। नहीं थी, लेकिन ये मैच है, हिस्सा है उनका, और ये गोलकीपर का बहुत अच्छा सेव मोसन का। यहाँ दूसरी बार उनने गोल बचाया मोसन ने, लेकिन वो बिल्कुल बॉल की लाइन में रहे। और अब फैसलाबाद की बारी है, फैसलाबाद की जानिब से इस वक्त सुहेल जा रहे हैं और गोलकीपर ने उनका मुसलसल रास्ता जो है वो रोके रखा। यहाँ अब ये सरगोधा की बारी है और इस बार ये लगाया हुआ उनका शॉट ये बाहर गया। तो फैसलाबाद डिवीज़न यकीनी ये मैच जीत जाएगी। जी हाँ, तो ये आखिरी मौका फैसलाबाद के पास और रिवर्स गोल करने में कामयाब हो गए नहायत ही शानदार तरीके से। ये फैसलाबाद की जानिब से ये गोल स्कोर किया उमर ने और इस तरह वो हीरोज़ में शुमार होंगे। और बड़े सनसनीखेज और ड्रामाई मुकाबले के बाद फैसलाबाद ने ये पेनल्टीज़ पर 3-2 से कामयाबी हासिल की और बड़ा ही सख्त मुकाबला हुआ, कांटे का मैच रहा जिसमें पहले 40 मिनट्स में 2-2 से मैच बराबर हुआ और बाद में ये पेनल्टीज़ पर नौबत जो है बिल्कुल आखिरी एक्शन तक गई।